सो फ्रेंड्स, जीत से पहले जीत निश्चित मत समझना और साथ ही साथ आप हारने से पहले भी हार मत मान लेना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कस्टम यूआरएल कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम यूआरएल ले सकते हैं अपनी मर्जी का। तो ये क्या होता है ये जान लेते हैं। पहले देखिए, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख पाए। देखिए, हमारा चैनल है यही आईटी फुल नॉलेज। तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये दिख रहा है URL, देखिए youtube.com/channel, और देखिए ये अजीब सी है, कोडिंग सी दिख रही है आपको ये इतनी बड़ी। तो अगर मैं किसी को एड्रेस देता हूँ अपने इस चैनल का, तो इतना बड़ा एड्रेस मुझे कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये छोटा सा हो जाए और कुछ रिलीवेंट हो जाए, जैसे www.youtube.com/ITfullknowledge या अतुल शर्मा में अपना नाम डाल लूँ, ठीक है, इस तरह से आप आगे का ये सब आप कस्टम URL की हेल्प से सेट कर सकते हैं। कस्टम URL को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको दिखा देता हूँ कि कस्टम URL कैसे है। जैसे देखिए YR है, यशराज फिल्म्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए URL क्या है इनका, www.youtube.com, यूजर इसके अंदर YRF, यशराज फिल्म्स। इसी तरह से www.youtube.com/ITfullknowledge आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर वो किसी ने पहले से अप्लाई नहीं करा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ पहले ही। जैसे देखिए, अगर मैं URL पे लिखता हूँ www.youtube.com/ITfullknowledge, देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए एरर फाउंड हो गई है। क्यों एरर फाउंड हो गई? क्योंकि इस URL पे हमारा चैनल है ही नहीं अभी, ठीक है। तो जब हम कस्टम URL सेट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत हम कस्टम URL ले सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पेज है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप सीधा इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कस्टम URL होने से ये हेल्प होती है, आप अपने लोग जो आपको व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, आप उनको एक URL दे सकते हैं, जैसे हमारा बन सकता है www.youtube.com/ITfullknowledge, ठीक है। वो तो अभी देखेंगे वीडियो एंड होने के बाद क्या बनता है। और इसमें इसका SEO में काफ़ी यूज होता है, जैसे अगर हमारा यूट्यूब चैनल है, हम वीडियो डालते हैं तो वीडियो अच्छी काफ़ी जल्दी से रैंक हो जाती है अगर हमारा कस्टम URL है। और हम अपने किसी फ्रेंड को बता सकते हैं youtube.com/ITfullknowledge, इस तरह से सीधा हमारा चैनल खुल जाएगा। तो देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, आप ऐसे ही नहीं बना सकते कस्टम URL, कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि आपके 100 या 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे अब 111 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए आपका थैंक यू भी। और बी एटलीस्ट 30 days old, कम से कम आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए। Have an uploaded photo as channel icon. चैनल आइकन में एक फोटो, ये लोगो बोलते हैं, इसे बोलते हैं चैनल आइकन, के ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ have an uploaded चैनल आर्ट, देखिए चैनल आर्ट ये होती है, ये रहा, ये भी हमारी बनी हुई है चैनल आर्ट भी, ठीक है। तो उसके बाद इसने और बाकी चीज कही है, URL का गूगल का भी सेट कर सकते हैं, पर वो मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, हम सिर्फ यूट्यूब का कस्टम URL बनाना बताएंगे। तो यहाँ स्टेप दे रखे हैं, स्टेप मैं आपको दिखाई दूंगा, इसमें कुछ खास है नहीं। सो अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम कस्टम URL बनाते हैं। देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल से लॉग इन हो चुका हूँ, साइन इन हो चुका हूँ अपनी जीमेल की आईडी और पासवर्ड से, जिससे मैंने बनाया था ये यूट्यूब चैनल आईटी फुल नॉलेज। तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ऊपर जाना होगा, देखिए आपको यहाँ पर जाना होगा चैनल आइकन पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएटर स्टूडियो, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो पे जब हम ओपन कर चुके हैं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आना है नीचे, देखिए अब हमें ओपन करना है चैनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, देखिए ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, नीचे आएगा कस्टम URL का, देखिए देखिए ये रहा कस्टम URL, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये रहा कस्टम URL,
यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम URL. अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके 100 से कम सब्सक्राइबर होंगे, तो यहाँ पर रेड सा बनाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं आएगा कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि हमारे 100 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए ऐसा लिखा रहा है. तो आपको यहाँ पर इनेबल पे क्लिक करना है. तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो चुका है. तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से कि यू आर एलिजिबल फॉर द कस्टम URL. क्लेम इट हेयर. आप यहां से क्लेम कर सकते हैं. नीचे देखिए और भी काफी ऑप्शन है, चैनल डिलीट करने के और भी कुछ ऑप्शन है, उन पर हम नहीं जा रहे, ठीक है. तो क्योंकि हमें सिर्फ अपना कस्टम URL बनाना, तो आपको यहां पर क्लिक करना है क्लेम इट हेयर पे. जब आप क्लिक कर देंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने देखिए ऐसी स्क्रीन आ चुकी है, गेट ए कस्टम URL youtube.com/c. और देखिए यहां पर आ रहा है IT फुल नॉलेज, ठीक है. तो यहां तो इसे तो आपको चेंज कर नहीं सकते. तो आपको देखिए नीचे वाले ऑप्शन में जाकर आप चेंज कर सकते हैं IT फुल नॉलेज एंड सफिक्स फॉरवर्ड चूजिंग. अगर मैं IT फुल नॉलेज के आगे फॉरवर्ड स्लैश करके कुछ भी नाम ले देता हूं अपना या कुछ और जो यूनिक रखता हूं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा, ये IT फुल नॉलेज रहेगा ही, ठीक है. तो हम इस पर क्लिक करते हैं. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं IT फुल नॉलेज एड ए फ्यू करेक्टर. देखिए मैं कुछ भी एड नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे URL सही लग रहा है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आई हैव रीड द कस्टम URL टर्म्स ऑफ यूज, आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं. और यहाँ पर हमने कर दिया क्लिक चेंज URL पे, ठीक है. मैनी पीपल हैव द सेम लेटर नेम. ओके फ्रेंड्स, ये नहीं मान रहा, ये कह रहा है कई सारे लोगों के ऐसे URL हैं, तो आपको कुछ यूनिक करने के लिए कुछ करना होगा. सो फ्रेंड्स, कुछ यूनिक मानता है ये URL क्योंकि और बाकी कई लोगों ने भी इसे अप्लाई कर रखा होगा इससे रिलेटेड, तो YouTube मना कर रहा है अभी, तो हम कुछ यूनिक नाम रखा हमने आगे ITFK, IT फुल नॉलेज की ही शॉर्ट फॉर्म. रीड करनी है आपको पूरी IF, रीड एंड एग्री करना है कस्टम URL की परमिशन पे, टर्म ऑफ यूज में पढ़ चुका हूँ YouTube के, वो सब चीजें हैं कि हमें YouTube की गाइडलाइंस जिन्हें जिन्हें फॉलो करना है, तो उन्हें मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ. चेंज URL पे क्लिक करते हैं. अब देखिए क्या ये पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर पब्लिक URL टू youtube.com/ITFK, ठीक है. सो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है वंस यू कंफर्म दिस कस्टम URL यू कांट चेंज इट और ट्रांसफर द समवन एल्स. अगर आपने एक बार URL बना लिया, कस्टम URL अगर आपने बना लिया, तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. चेंज आप एक साल में 3 बार ही कर सकते हैं, ऐसे कुछ रूल है, वो मैंने आपको एक पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप पढ़ सकते हैं. तो कैंसिल यहाँ पे कन्फर्म चॉइस, आपको क्लिक करना है कन्फर्म चॉइस वाले ऑप्शन पे. तो अब आप यहां पर देख सकते हैं ये वर्क हो रहा है. तो फ्रेंड्स अब आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि हमने देखिए कस्टम URL बना चुके हैं www.youtube.com/ITFK. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हम कस्टम URL बना सकते हैं. अब देखिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं, हमने आपको वीडियो से पहले बताया था. जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं www.youtube.com/ITFullKnowledge, यही था, कैपिटल स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. देख लेते हैं, एरर दिखा देगा वरना. आईटी फुल नॉलेज और ITFK ट्राई करते हैं, देखते हैं यही है क्या. जी हाँ दोस्तों, यही है. तो आपने हमारा URL देखे दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को भी इस URL को शेयर कर दें, www.youtube.com/ITFullKnowledge, कैपिटल में है फिर ITFK. तो आप दोस्तों को शेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कर दीजिए, बस कॉपी हो गया. अब जहाँ आपको शेयर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे पेस्ट कर दीजिए या फिर कंट्रोल भी कर दीजिए. तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कस्टम URL बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए. ओके सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें यूट्यूब पे, और अगर अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करें, और अगर डिसलाइक करें तो प्लीज मुझे एक रीजन जरूर दें ताकि मैं आगे के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकूं, जो आप चाहते हैं वो मैं इस चैनल पर कर सकूं. अगर आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो आए, तो आप कमेंट में अभी लिख दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. सो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है कि आप कस्टम URL दोबारा ले नहीं सकते, आप दोबारा कस्टम URL ले सकते हैं, लेकिन पहले आपने जो कस्टम URL ले रखा है उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा.
फिर क्लेम करना पड़ेगा एक न्यू URL, तो YouTube काफी टाइम लगा सकता है इस प्रोसेस को करने में, आपकी प्रोसेस को वेरीफाई करने में, क्योंकि YouTube सिर्फ खाली अकेले आपके लिए मेरे लिए नहीं बैठा है, बहुत सारे चैनल है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि यू कैन रिमूव ए कस्टम URL फ्रॉम योर चैनल अप टू 3 times, 3 times ही आप रिमूव कर सकते हैं कस्टम URL को अपने चैनल से एक ईयर में सिर्फ 3 times ही आप रिमूव कर सकते हैं कस्टम URL को। तो काफी सोच समझ कर अपना URL नाम लिखें URL में। देखिए मेरा पर्पस था कि IT फुल नॉलेज मिल जाए, कोई बात नहीं, हमें ITFK करना पड़ा बाद में, तो ऐसे ही आपको भी करना पड़ सकता है अगर वो पहले से किसी ने रजिस्टर कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स जाइए, और आप भी अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप मेहनत कीजिए और 100 सब्सक्राइबर ले लीजिए, और फिर आप कस्टम URL ले लीजिए और अप्लाई कीजिए, और काफ़ी सोच समझ कर अपना नाम रखें कस्टम URL, क्योंकि आगे चल के आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें उसी से ही वो सर्च कर सकते हैं। दैट्स इट।